हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सातानार। तो श्रेणी दशम पिले आशा करूँ समस्ते निजर प्रिपरेशन बहुत बेस्ट करूब आउ निहत रूपे तुमने निजर परीक्षा में बेस्ट मार्क नहीं आसब। निज उपरे पिले माने विश्वास रख, निश्चित रूपे तुम मानकर यही फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन परीक्षा रे भल स्कोर निश्चित रहिबो। ठीक अच्छे, तो पिले माने आज ही क्लास रे आमे सामाजिक विज्ञान रे एक सैंपल पेपर को आमे प्रैक्टिस करिबा, जहाद्वारा पिला माने तुम्हें सक्षम हो पारिबो आउ एबल हो पारिबो 20 रु 20 आनिबा पई। तेणु केही मधे वीडियो को स्किप करिबो नाही, समस्त वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखिबो। ठीक अच्छे, तो चलो पिले अधिक डेरी करिबे नाही, आमे आमर क्लास को स्टार्ट कर देबा। तो चलो, तो समस्त पिले माने एठी देखि पारथुबो सोशल साइंस पेज नंबर 1 फॉर्मेटिव एसेसमेंट 1 क्लास 10th 2022-23 टोटल 80 समय होजु 45 मिनिट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर आउ सेक्शन एठी रहइबो, सिग्नेचर ऑफ द टीचर। ठीक अच्छे, आम पूर्व पिले माने पीरियडिक टेस्ट आंसर की गुड को डिस्कस कर दैजे। आज वीडियो रे जो मल्टीपल असेसमेंट अच्छी ताको आम डिस्कस करवा। तो पिला माने प्रत्येक प्रश्न पचारि कि समय वेट करेंगे, तुम्हें तार आंसर दबो, तापर मुझे राइट आंसर कहीकि आगे को प्रोसीड करी। ठीक अच्छे, तेना समस्त वीडियो को निश्चित रूप देख। देख यूनिट 1 कौन प्रश्न पचार मौखिक प्रश्न दे, तो पे तुमको टी प्रपर्ली भिजिबल हो नाइम एक्सट्रीमली सरी, तथापि मत जहाँ देखा जाए पढ़ुची यार आंसर कि गुड़क कहूँ तुमने कौन चिंता कर सहित मैच होना तुम चिंता कर। तो देख यूनिट 1 एक नंबर क नंबर प्रश्न देला, सुभाष बोस राजनैतिक गुरु किए थे? जमी महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु जन थे, ठीक से प्रकार सुभाष चंद्र बोस राजनैतिक गुरु केवल गुरु ना राजनैतिक गुरु किए थे? देखा जाऊ कत जन राइट आंसर दे पार। तो पे समस्त फटाफट आंसर दियो, देखा किए के फटाफट आंसर दे पार। बहुत बढ़िया पे, तो सुभाष चंद्र बोस राजनैतिक गुरु हूँ चित्तरंजन दास। कौन हम चित्तरंजन दास? ठीक अच्छे, कौन हम चित्तरंजन दास? जो मैंने चित्तरंजन दास बोली कह आंसर ठीक अच्छे। बर्तमान ख नंबर प्रश्न देख, ये लिखा जाए काइजर ई हिंद, इतिहास बहर प्रथम पाठ काइजर ई हिंद। समस्त जानते ये उपाधि को मुख्यतः महात्मा गांधी को दि जाइए इंग्रेज मान द्वारा, किंतु यही उपाधि अर्थ कौन? यही उपाधि अर्थ कौन फटाफट आंसर दियो, काइजर ई हिंद उपाधि अर्थ कौन? समस्त पे आंसर दियो, बहुत बढ़िया पे। तो पे यार राइट आंसर आसीबो हिंदुस्तान सम्राट। कौन आसीबो? हिंदुस्तान सम्राट, हिंदुस्तान सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद जे कि आमर आई थिंक स्वाधीन भारत प्रथम बोधे शिक्षामंत्री अच्छा, ठीक अच्छे, स्वाधीन भारत प्रथम शिक्षामंत्री हूँ मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मूल नाम कौन अटे फटाफट आंसर दे पे, मूल नाम कौन अटे पे? मूल नाम हूँ मुहिउद्दीन। ठीक अच्छे, मुहिउद्दीन अहमद, मुहिउद्दीन अहमद, मुहिउद्दीन अहमद। तो जो मैंने मुहिउद्दीन अहमद लिखुच आंसर ठीक अच्छे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर घ देख, पंजाब केसरी नाम किए परिचित? आमर पे तीन जन व्यक्ति अच्छा, जन ना हूँ लाल, आ जन ना हूँ बाल, आज जन ना हूँ पाल। जो आम बिपिन चंद्र पाल अच्छा से मुख्यतः वेस्ट बेंगल बिलंग करुँच कोलकाता, बाल गंगाधर तिलक जे कि आम महाराष्ट्र बिलंग कर, लाल लाजपत राय जे कि बिलंग कर पंजाब रु। ठीक अच्छे, यहाँ तुम एम त्रिभुज समग्र त्रिभुज चिंता कर, पंजाब जदि ये अच्छी महाराष्ट्र ये अच्छी वेस्ट बेंगल ये अच्छे, तो लाल बाल पाल। तो ये कहगला जो पंजाब केसरी नाम किए परिचित,
आंसर हम पंजाब रे केसरी हूँ लाल लाजपत राय, लाल लाजपत राय, लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न आसला सर्दार वल्लभ भाई पटेल क्यों नाम रे परिचित, सर्दार वल्लभ भाई पटेल क्यों नाम रे परिचित, सर्दार वल्लभ भाई पटेल गोटे स्टैच्यू जहाँ को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँकि गुजरात रे अच्छी आउ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को तैयारी करने पाखापाखी 3000 कोटी टंका खर्च होता, 3000 कोटी टंका खर्च होता जहाँकि तुमने जानी तो से सर्दार वल्लभ भाई पटेल जहाँ जो सारा भारत एकत्रित हो पारा, भारत जिते स्वाधीनता पाई से समय भारत में पाखापाखी 565 अधिक गड़जात राज्य थे, ये समस्त गड़जात राज्य को मूल भारत में मिसाइवा पचरे सर्दार वल्लभ भाई पटेल हाथ थी। तो यही सर्दार वल्लभ भाई पटेल को लौह मानव बोली आख्या दी जाए, ठीक अच्छे लौह मानव जहाँ इंग्लीश रे आयरन मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक अच्छे आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके तापर आर किंबार गोटे अच्छे पे पांचटा लिखे ना गांधीजी और नेताजी राजनैतिक संपर्क एक बरणी प्रस्तुत कर, महात्मा गांधी आ सुभाष चंद्र नेताजी आइडियोलॉजी किपर डिफरेंट थी से जगह सब मेंशन कर। यूनिट टू रे प्रश्न आसला पे दक्षिण आफ्रिका मानचित्र रे नाटाल और जोहान्सबर्ग अवस्थिति बुझाओ, ठीक अच्छे नाटाल और जोहान्सबर्ग, तो आम जो दक्षिण आफ्रिका पे प्रकार जो अच्छी यहाँ दक्षिण आफ्रिका अच्छी ये अच्छी आम साउथ आफ्रिका मानने आफ्रिका कंटिनेंट ये दक्षिण आफ्रिका यार पे ये नाटाल आसो ये आसो जोहान्सबर्ग आसो एमती किसी जगह आसो टे मेप्रे तुम चेक करदेव यार किंबार आसो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन पाकिस्तान गठन दाबी विपक्ष में दर्शाई कारण गुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत कर। तो बहुत सहज हम तुमको दक्षिण आफ्रिकार जो मानचित्र रे नाटाल आ जोहान्सबर्ग देखेबार, तो 5 मार्क मिल जाए पे। यूनिट थ्री देख, यूनिट थ्री देला मौखिक परीक्षा देख कौन दे, एक नंबर प्रश्न देला जो भारत महासागर जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँकि 200 नॉटिकल अटे, तो ये 200 नॉटिकल पर भारत सेठार गोटे खनिज पदार्थ उत्तोलन करा कि खनिज पदार्थ अटे सेटा हूँ पे मांगानीज, सेटा हूँ मांगानीज खनिज पिंड, ठीक अच्छे मांगानीज खनिज पिंड उत्तोलन करने अनुमति पाई। खला समुदाय भू संबल केते भाग मालभूमि पे समुदाय जो भू संबल अच्छे तार केते भाग मालभूमि आसो जान रख पे भारत में जी जो भू संबल अच्छी से पाने 43 भाग हूँ समतल भूमि, 43 भाग हूँ समतल भूमि, ठीक अच्छे 30 भाग हूँ आम पार्वत्य भूमि एवं 27 भाग हूँ मालभूमि। तो आम प्रश्न थी समुदाय भू संबल केते भाग मालभूमि, आंसर हम 27 भाग। ग नंबर प्रश्न था आरावली पर्वतर पार्श्वरे देखा जाऊथिबा मरुस्थली मृत्तिका को कौन कहा जाए, आरावली पर्वत जदि आम ठीक है जदि आम भारत जब मेप आम करने चेष्टा करवा ठीक अच्छे तो किसी ए प्रकार आसो नहीं कि ए प्रकार किसी आसो ना यार एटार पे अच्छे ये गोटे चाप सदृश अच्छे आरावली पर्वत श्रेणी, तो आरावली पर्वत श्रेणीर पार्श्वरे जो मरुस्थली मूर्तिका अच्छे जो मरुस्थली मूर्तिका अच्छे मरुस्थली मूर्तिकार नाम कौन अटे तार नाम हूँ पे मन रख ठीक अच्छे जस्ट सेकेंड रोगोलिथ कौन कहो ताको रोगोलिथ मरुस्थली मूर्तिका, रोगोलिथ मरुस्थली मूर्तिका बोली कह रोगोलिथ। नेक्स्ट आसला भारत रे राज्य अरण्य, भारत रे राज्य अरण्य भी बजाई भारत रे राज्य अरण्य, राज्य अरण्य अर्थ ओडिशा राज्य कथा कहूनी टोटल भारत में जितना राज्य अच्छी 28 राज्य अच्छी भारत राज्य अरण्य आयतन केत अंश अटे, भारत राज्य अरण्य आयतन हूँ पे
जाने रख तेयाणी दशमिक आठ शतकड़ा अटे के तेयाणी दशमिक आठ शतकड़ा अटे ठीक अच्छे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हिमालय पर्वतमाला के उद्भिद अर्थात से कहते हिमालय पर्वतमाला गोटे गच्छ अच्छी गोटे उद्भिद अच्छी जहाँकि कर्कट बा जहाँ कैंसर भी कहूँ गोटे उद्भिद अच्छी जोड़े कि कैंसर रोग ट्रीटमेंट बा कैंसर रोग मुक्ति पाया औषध हिसाब से बाहर करा से गचर ना हूँ पे बहुत सिंपल यू ठीक अच्छे यू यार हसैकार उ जहाँ इंग्लीश आई थिंक बोधे वाई डब्ल्यू बोधे लिखा हे ठीक अच्छे यु गच नेक्स्ट आसला पे मैंने विभिन्न प्रकार अरण्यगत पदार्थर एक तालिका प्रस्तुत कर तोटा भी तुम तो यहाँ तो तुम होगा ना से देखा कि दरकार ना नेक्स्ट पे यूनिट फोर आसला देख कौन दीजिए तुम अंचल देखा जा वन्य प्राणी संबल एक तालिका प्रस्तुत कर यहाँ तो पिला टू पिला अलग अलग आसो भू संबल आमर क्यों आवश्यकता पूरण कै ता एक तालिका प्रस्तुत कर तो भू संबल बोले मूर्तिका को आम कौ काम व्यवहार करे सीजा लिखिपर ठीक अच्छे पे मैंने तो भिडियो किपर लगे निहत भी समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर जदि भल लगे निहत गोटे लाइक सेयर और सब्सक्राइब करदेव ठीक अच्छे तो चल समस्त थैंक यू सो मच।